वेलकम टू सिलेबस। की हाल चाल सारे। और यार ट्विटर पे कल जो मज़ा आया है मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, थंबनेल देख के कुछ समझ ही गए होंगे कि भाई क्या हुआ है। ठीक है, तो भाई कल जो था, जो एक्चुअली हुआ क्या था वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हम जो ट्विटर पे राज इन्फिनिटी म्यूज़िक स्पेस बंदा बहुत ही बढ़िया गाता है। ठीक है, तो हम सुन रहे थे सारे, तेज जन फार्म के आर्मी सारे फैंडम के लोग ही थे उसमें ज़्यादातर। तो भाई धीरे से सुमड़ी में से ना ओमी भैया को हम दिख गए भाई, मतलब कि वो बैठ के सुन रहे थे, उनको पसंद आ गया राज भाई की आवाज़। तो यार वो बहुत ही बढ़िया गा रहे थे। ठीक है, तो ओमी ने उनके ऊपर कमेंट भी करा कि किलिट प्रो, मतलब बहुत अच्छा गा रहे हो ऐसा। हाँ, तो उनको पसंद आया यार। और स्पेस में भी आके बोला कि भाई यार बंदा क्या गा रहा था, पसंद आया मुझे। ठीक है, फिर जो हमारे निखिल भाई है, जो आपको आप शायद नहीं जानते हो कि जो करण कुंदा के एडिटर है, उन्होंने एक स्पेस होस्ट की थी। जी हाँ, तो वहाँ पे ओमी भैया, हमारे जगत भैया भी आ गए। ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुआ इसका सफ़र। तो ये सफ़र सुनने के लिए आप सुनते रहिए कि भाई ओमी ने क्या क्या सीक्रेट रिवील किया हमारे साथ, अंदर की बात, इनसाइड सोर्स। तो भाई पहले तो हमें बताया कि भाई ये जो सॉन्ग, ये पोस्टर जो रिलीज़ हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जिस दिन वीडियो डाला था उसी दिन रिलीज़ होना है। ठीक है, तो शाम तक तो हो गया था। ठीक है, और दूसरा वो प्राइम वीडियो वाला भी हो गया था। ठीक है, तो बेचारी जो सॉन्ग आने वाला है उसकी एक इनसाइड न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको कि भाई ये सॉन्ग पहले ये लोग नहीं करने वाले थे। जी हाँ, कुछ डेट के इशू या फिर कुछ, सॉन्ग तो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, लेकिन उसे जो शूट करने के लिए ना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड और उसे, क्योंकि ये सॉन्ग है ना एक बड़े लेवल पे शूट हुआ है, इसमें बहुत ही मतलब बहुत ही मेहनत लगी है। जिस हिसाब से दिव्या अग्रवाल और करण कुंद्रा का जो लुक है और जो जैसे शॉट्स लिए गए ना, वो बहुत ही उम्दा है। ठीक है, बाद में इसे ना एक ग्रैंड लेवल पे करने की बातें चल रही थी। ठीक है, बाद में ओमी और करण कुंद्रा ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, जो अफसाना खान जी है उन्होंने सिंग करा है। तो भाई ये इनसाइड न्यूज़ है। और हाँ, ये सॉन्ग बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है और ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। जिस हिसाब से करण कुंद्रा और दिव्या अग्रवाल और ओमी भैया, जो हमारी टीम है भाई, उन सब ने जो मेहनत करी है वो रंग लाएगी, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, सब वेट अब बताते हैं कि ये कब आने वाला है। आज हुई है 23, 24 या 25 को इसका ट्रेलर रिलीज़ होगा। ठीक है, 23 या 24 को, मे बी 24 को ही हो जाए। ठीक है, अब 27th को, ठीक है 27th को ये सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा भाई। ओमी भैया ने हमें बता दिया है कि भाई 27th को इसका जो मुहूर्त है वो कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई DDAJ के बारे में क्या कहा डांस दीवाने जूनियर। जिस हिसाब से उनका हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है भाई, ओमी भैया और करण कुंद्रा के एल लगे हुए, एल मतलब कि काम में बहुत ही बिजी जा रहे हैं। ठीक है, लखनऊ में है अभी शूट, वो लखनऊ की सारे क्लिप्स मैंने डाली है इंस्टा पे ऑन द स्पॉट। ठीक है, वो किस होटल में थे वो भी हमने पता कर लिया था भाई। जी हाँ, मैंने फ़ोटो भी डाला था उस होटल का। जी हाँ, और काफ़ी कुछ क्लिप्स भी मैंने शेयर करी थी वहाँ की, लखनऊ की, जो इंस्टा और ट्विटर पे जो फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, बाकी तो भाई क्या ही बोलूँ। ठीक है, छोड़ो उस बात को। अब DDAJ के बाद आते हैं करण और ओमी की फ्रेंडशिप कैसे हुई। जी हाँ, करण और ओमी की फ्रेंडशिप कैसे हुई, तो भाई उन्होंने ये बहुत ही, बोलते हैं ना कि दोस्त बने। ठीक है, अभी तो सब लोग जानते हैं कि भाई ओमी के मैनेजर है, लेकिन साथ में भाई और दोस्त वाली, फैमिली वाली वाइब्स है। ठीक है, तो वो दोनों कैसे मिले वो भी उन्होंने शेयर किया। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई वो एक्चुअली ओमी जो है वो वेडिंग प्लानर, मतलब ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जो थे या कॉलेज के शुरुआत में, वो ऐसे करता था। ठीक है,
तभी उनकी मुलाकात करण कुंद्रा का जो एक इवेंट था उस टाइम पे, तो उन्होंने वो इवेंट किया था। जी हाँ, तब से वो इवेंट के दौरान करण कुंद्रा ने ओमी से कहा कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, चल बॉम्बे मेरे साथ। तो भाई करण कुंद्रा ने ओमी को बोला कि भाई यहाँ से ज़्यादा तुम बॉम्बे में ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम होगा, मतलब ज़्यादा काम में तरक्की होगी। तो भाई ओमी भैया ने तो 2 महीने में अपने बिस्तरे पुटले लेके वो चले गए भाई अपने केके के पास। तब से अभी तक की स्टोरी, साथ में फैमिली बन गए, दोस्त बन गए, ब्रोकोड बन गए, ठीक है। और अब तीसरी बात आते हैं, चौथी हाँ, ओमी ने ये भी बताया जो हेल्पिंग हैंड है जो तेजरन और के कुंदा स्क्वाड से है, जो लोग अपना इनिशिएटिव देके कुछ लोगों के हेल्प्स करते हैं, ठीक है। तेजरन हेल्पिंग हैंड का वीडियो भी शायद तेजू ने शेयर किया था अपनी स्टोरी में, ठीक है। अभी के स्क्वाड भी इनिशिएटिव ले रहा है कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करके कि यार ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ये सब देखकर ओमी ने भी एक इवेंट या कुछ दोनों से बात करके, ठीक है, दोनों से कुछ बात करके आगे कुछ इवेंट जो हेल्पिंग हैं जो ऐसी हेल्प करना चाहते हैं वो कुछ ऐसा इवेंट करने की प्लान कर रहे थे। वो एक वीक से कर रहे थे, बिकॉज ऑफ ये बिजनेस शेड्यूल चल रहा है उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो भाई ये बात है और ये बहुत ही अच्छा काम है। देखो ये बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है। आप अपने आइडियल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। उनके फुटस्टेप पे चल रहे हो, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो यार, उससे बड़ा क्या ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, शादी के बारे में। अब देखिए इसमें ना बहुत बड़े वाले गफे होने वाले थे, ठीक है, ठीक है। हमारे निखिल भैया ने पूछ लिया कि भाई शादी के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, और ये कब आया पता है, जब उन्होंने बोला ना कि मैं पहले वेडिंग का ये कि प्लानर का ये कुछ करता था, ठीक है, तो सबने पूछ लिया कि भाई शादी कब करा रहे हो, तो वो बोलते कि किसकी, हाँ तो यार किसकी क्या किसकी, हम जिसकी चाह रहे उसकी, मतलब तेजरन की, हाँ। ताकि फिर वो बोलते हैं कि भाई वो तो सब सेट है, हाँ ऐसा बोला। फिर निखिल ने क्लियरली पूछा कि भाई इन दोनों की शादी कब है ऐसे, तो फिर यार बीच में पता नहीं कौन था फुद्दू, उसने इंटरप्ट कर दिया। अभी ये मेरे को पता नहीं किसका स्पीकर ऑन रहेगा, ठीक है, वो बात मिस हो गई। फिर भी निखिल ने पूछा कि भाई शादी कब है, मतलब कैसे है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स निखिल ने उस कॉन्टेक्स में पूछा कि शादी होगी 2022 में, मतलब उस कॉन्टेक्स में पूछा कि भाई 2022 जो है हमारे लिए शुभ है ना, अच्छा है ना। तो उमीन ने बोला ने वो बोलते हैं हिंट देने में, जैसे भी केक के हमारे जो हिंट देते हैं वैसे ही ओमी ने भी हिंट दे दिया, हाँ 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 2022 सबके लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया। तो भाई इसमें तो हम क्या ही समझे कि भाई शादी होगी कि नहीं होगी, ऐसा क्लियर तो नहीं बोला है लेकिन ऐसा हिंट देते रहते हैं, ठीक है। तो जो रोको वाली बात, रोका तो कन्फर्म है बस, ठोक के ले लो मेरे से, हाँ वो तो कन्फर्म ही है, वो तो केक ने ऑलरेडी बोल दिया है। अब बात करते हैं कि भाई शादी के बारे में कि 2022 में होगी कि नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन भाई ओमी ने तो थोड़ी सी हिंट दे ही। अब वो हिंट 2022 में होगी या 23 में होगी ये हमें नहीं मालूम। तो भाई अगर मेरे हिसाब से तो यार ये जो ये रुला देती है, जो 15 मिलियन पे जो हिट जाएगा ना उसके बाद आपको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। ये जो पेड़े बेच रहे हैं ना ओमी भाई, ये बहुत गलत है। अब ये 15 मिलियन कब होंगे, कब हमें पता चलेगा, तो वेट करते हैं भाई। तो हाँ भाई, जो पूरी रिकॉर्डिंग ओमी भैया की सुनना चाहता है वो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके पूरी सुन सकता है। मतलब आई थिंक यार कितनी, 1 2 3 4 5 वीडियोस है, मतलब 45 या 50 मिनट की होगी, वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी। तो जिसको सुनना है वो सुन सकता है क्लियरली, अच्छे से प्यार से शेयर भी कर देना, फॉलो भी कर लेना और यार सब्सक्राइब भी कर लेना। इतनी मेहनत से यार रात के 3 बजे हम छोड़ो भी क्या ही बोले, सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आगे ऐसी न्यूज़, कन्फर्म न्यूज़ जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द सेलेबस। और डांस दीवाने जूनियर भी आ रहा है तो यार देखना मत भूलिएगा, ठीक है।
और जो सॉन्ग है बिचारी वो होने वाला है 24 या 25 को ट्रेलर आएगा और 27 को कंफर्म रिलीज हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द सेलेबस। थैंक यू।